उसी एक शकील नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाया 302 में, और इनकी पुरानी रंजिश 376 मुकदमा को लेके चल रहा था। इसी बीच में अलग अलग साक्ष्यों से, फिजिकल मटेरियल एविडेंस की रिकवरी से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्लियर हुआ है कि अनम की खुद के परिवार वालों ने अनम को मर्डर करके खेत में फेंका है, जैसे कि शकील नाम के व्यक्ति जो पड़ोसी है उसको फंसाने के लिए। घटनाक्रम यह है कि शादाब उनका चाचा है, लड़की को बहाना से ले गया घर पे मेला दिखाने के नाम से। वहाँ इनके चाचा जो शादाब के साथ इनके खुद का पिता अनीस और अन्य जो चाचा लोग हैं सलीम और सरपी इनको से बात किया और मरा समझ कर गने के खेत में छोड़ के चले गए। और सुबह खुद नाटकीय ढंग से अपने खुद जाके डेड बॉडी रिकवर किया है। और ताजुब की बात है कि जब वहाँ पहुँचे बच्ची तब भी जिंदा थी, अनम जिंदा थी, फिर भी इन्होंने आधा घंटे इंतज़ार किया लड़की को मरने तक, लड़की का वीडियो भी बनाया, उसके बाद शकील के खिलाफ FIR दर्ज कराया। घटनाक्रम में इन्वॉल्व सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल किया चाकू आला कतल, साथ साथ जो नींद की गोली के रैपर्स और सब बरामद हो गए हैं, और इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में भी इन्होंने कन्फर्स किया, साथ साथ सारी चीजें एक्सपोज हो गया है और इनको गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में।